प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में निकाला मार्च। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जेवर, जहांगीरपुर, रघुपुरा आदि जगहों पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने सरकार के तीनों अध्यादेश के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में मार्च निकाला व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान भानु के कार्यकर्ताओं ने सभी दुकानदार व व्यापारी वर्ग से हाथ जोड़कर भारत बंद का समर्थन देने को कहा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने भारत बंद समर्थन मार्च निकालते हुए किसी भी रोड को जाम नहीं किया व किसी भी जनमानस को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च जेवर ब्लॉक से शुरू कर मेन बाजार से होते हुए जेवर तहसील पर एसडीएम से वार्ता कर समापन किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गौतम बुद्ध नगर से जिला ब्यूरो चीफ देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि किसान बहुत ही परेशान और बहुत ज़्यादा लाचार है इस समय, क्योंकि 72 साल से वैसे ही किसान परेशान है, लेकिन चल नहीं रहा है। ये सारे के बाकी सारी बातें होली आपका जो मेन प्रोग्राम था, अच्छा एसडीएम साहब आपसे भी एक दिन एसडीएम साहब ने भी कहा था आज 1.5 महीना होली है, उसके बारे में आपके पास क्या सूचना, आप कहाँ तक आगे बढ़वाए अभी तक? भाई हमने तो बहुत अच्छे वकील चुने थे कि एसडीएम साहब हमारी बात को आगे रखेंगे, हम कैसे नहीं कर सकते, और एसडीएम साहब ने आगे रखी भी, एडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद में अब क्या बताइए, 5 लाख लोग कब तक रखे रहे अपने पास? हेलो, मेरा कहना ये है कि 5 लाख कब तक खुल जाएगा किसानों का, कुछ है तो उसका और यहाँ जिला स्तर से वहाँ बातचीत की गई, जैसे ही वहाँ से आता हम शुरू किया सर, अभी हम कोई ऐसी स्थिति में नहीं कि आ जाए या जाने जाए, हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन पहली बार खुले हुए हैं इससे पहले कभी बना नहीं आता, तो पहली बार में दिक्कत आती है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, और ये लगाइए कि पूरा प्रयास जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप लगे हुए हैं। सर मैंने कि आपके वकील तो मुझे लगता है कि शायद आपने अच्छा वकील चुना है, मैं तो अपनी कानून के बारे में पूरा संतोष होकर मैं खुलवा दे रहा हूँ। मैं अपने किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारे बंद के आह्वान को, जो हमारी